Hi everyone, welcome back to my channel. I am Nas. In today's video, I am going to share with you iftar routine or two recipes. मैं share करने वाली हूँ. One is plain biryani and one is ash, which is known as ganji also. So these two simplified recipes I am going to share with you. Keep watching. So first, starting with the plain biryani, I am taking here one large size tomato, then medium size onion, and three green chilies. Now I'm going to make rice for two people here, two to three people, depending on your conveniency you can do that. Now यहाँ पे separately मैंने half of tomato 3/4 मैंने separate कर दिया, 1/4 मैंने cut करके रख दिया है. That is for pizza making and ash के लिए. Ash के लिए आपको ज़्यादा tomato ज़रूरत नहीं है. Now I'm taking here rice which is of 3 glass. Glass जो आपको यहाँ पे दिख रही है cup type का, इसमें है. तो राइस को हम अच्छे से अभी वॉश कर रहे हैं. ऑलवेज यू हैव टू वॉश राइस प्रॉपरली 3 to 4 times. जब तक कि ये वाइट कलर का जो फोमी टाइप का होता है वो पूरा ना निकल जाए, तो ये जो धुंधलापन जाता है तब तक हम क्लियर करके अच्छे से वॉश करके रख दिया है. अब मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है. कुकर में मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी. Now I have added 3 tablespoon of oil. We need to add very less oil, not too much oil. So यहाँ पे अब खरे मसाले आपकी मर्जी है, जो भी आपके पास खरे मसाले हैं वो आप डाल सकते हैं, ज़्यादा भी ना डालें. यहाँ पे देखिए जस्ट मैंने दिया है 1 teaspoon खरे मसाले. इलायची भी आपको ऐड करनी है, इलायची इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 2 इलायची के दाने मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं. देन आई एम जस्ट एडिंग ग्रीन चिल्लीज एंड टोमेटो, सॉरी ग्रीन चिल्लीज एंड प्याज मैंने ऐड कर दिया है फर्स्ट. टोमेटो आपको लास्ट में डालना होता है. तो फर्स्ट ग्रीन चिल्लीज एंड ऑनियन हमने डाला, और ये जब कलरलेस हो जाता है थोड़ा सा, देन वी विल ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट. जिंजर गार्लिक पेस्ट आई हैव एडेड जस्ट हाफ ए पिंच, नॉट टू मच. डोंट ऐड टू मच ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. डिपेंडिंग ऑन क्वान्टिटी आपको रिड्यूस या फिर इंक्रीज करना है. तो अभी अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये पिंक पिंक सा ऐसा फॉर्म ना हो जाए प्याज. उसके बाद हम टोमेटो उसमें डाल देंगे, और टोमेटो अभी डालते ही हमें स्टाउ जो है एक बार ऐसे मिक्स करके लो फ्लेम पर रख देना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड मसालास नाउ. इन मसाला आई एम एडिंग हियर नमक. नमक मैंने यहाँ पे 1 full teaspoon ऐड किया है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं. देन अ पिंच ऑफ टर्मरिक, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 teaspoon, देन जिंजर पाउडर. दिस इज जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर है ये. ये आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, बट ये अच्छा फ्लेवर लाता है, तो आई रिकमेंड की हैविंग इट. नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, आप गर्म मसाला थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं. This is garam masala, a small pinch. Then zira powder, little bit. Then हम red chili powder बहुत थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, because we are already adding green chilies. Now this is lemon juice. ये pure lemon juice है, lime juice है, तो इसमें concentration इसका ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस मैंने 1 teaspoon मैंने ऐड किया है. If it is directly जो नींबू का रस होता है वो आप डाल रहे हैं तो आधा नींबू आप निचोड़ के डाल सकते हैं, हाफ नींबू. देन मिक्स इट वेल लाइक दिस. अब स्पैचुला से आपको स्मैश करते जाना है, मिक्स करते फ्राई करते हुए ऊपर स्मैश करते रहना है. हर एक रेसिपी का यही फंडा है कि आपको टोमेटोज को स्मैश कर देना है. यू शुड नॉट लेट द टोमेटोज लाइक दिस, तो ज़्यादा उसका टेस्ट नहीं आएगा रेसिपी में. कोई भी रेसिपी में आपको टोमेटोज को अच्छे से ऐसे स्मैश करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 to 5 minutes. देखिए अच्छे से मिक्स करके मैंने स्मैश कर दिया 70 to 80%. जब तेल अलग से सेपरेट होने लगने वाला है तब आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे. वाटर मैंने यहाँ पे लगभग 4 glass वाटर ऐड किया है, 3 से 4 glass डिपेंडिंग ऑन योर विजल, आपके विजल के डिपेंड करते हुए. देन कोतिमीर मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे. जस्ट 5 to 10 minutes में अच्छे से पानी खोलने लगेगा और ऐसे बॉईल आ जाएगा.
आप इस पॉइंट पे नमक चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी रोज़ा हूँ तो मैं नमक मैंने चेक नहीं किया। हमें थोड़ा सा नमक थोड़ा लाइट ही पसंद है, तो जब इस तरह वाटर बॉयल होने लगेगा, खोलने लगेगा, तब आपको इसमें राइस जो हमने वॉश करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देना है और एक बार स्पून से अच्छे से मिक्स कर देना है। आप नमक चाहो तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे जो विजल्स हमने रखी हैं, 2 to 3 विजल्स आपको रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब तक वो पकता है तब तक हम आश की तैयारी कर रहे हैं। आश के लिए भी मैंने यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, 1 ऑनियन लिया है, देन ए स्मॉल पीस ऑफ टोमेटो, देन 2 to 3 ग्रीन चिलीज, और सूजी हमें इस तरह लेना है। सूजी की आश हम बनाने वाले हैं। और दाल आपको लेनी है, दाल कोई भी आप ले सकते हैं, बट तूर दाल इज़ गुड हेल्दी फॉर योर इफ्तार के टाइम पे जब आप खोलेंगे तो हेल्दी है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने ये एक पैन कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून, और उसमें ज़ीरा और दाल जो तूर दाल थी वो हम ऐड कर रहे हैं। तो अच्छे से इसे एक बार फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से इस तरह फ्राई कर देंगे ऑयल में। इट्स वेरी सिंपल, ऑल द रेसिपीज आर वेरी सिंपल, बस जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। नाउ टोमेटो के अलावा आप ये ऑनियन और ग्रीन चिलीज हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 ग्रीन चिलीज मैंने लिया है। टोमेटो आप बहुत भी ज़्यादा ना डालें आश में, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। आप हाफ ए टोमेटो ले सकते हैं, या फिर छोटा टोमेटो है तो छोटा ले सकते हैं। तो ये देखिए, जब ऑनियन कलरलेस हो जाएगा, व्हेन ऑनियन टर्न्स कलरलेस, यू नीड टू ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट, जस्ट अ पिंच, नॉट इवन हाफ ए टीस्पून, हाफ ए टीस्पून से भी कम आपको डालना है। अच्छे से उसे एक बार मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, बाद में हमने उसे टोमेटो डाल दिया है। अब टोमेटो डालने के बाद आपको स्टव जो है लो फ्लेम पे रखना है, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक, मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है, देन ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड किया है, देन जिंजर पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। बहुत सारे लोग गरम मसाला, हल्दी, बहुत सारी चीज़ें इसमें डालते हैं, मत डालिए, क्योंकि ये आश है। आश इस तरह का होना चाहिए कि आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो सके जब आप इफ्तार में खोलेंगे। तो डोंट ऐड टू मेनी हैवी मसालास, ये 3 जो बेसिक मसाले हैं ये काफ़ी हैं और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से उसे देखिए, मैंने स्मैश कर दिया 70-80% तक, और जब अच्छे से सेग्रीगेट होने लगेगा, जब फ्राई अच्छे से हो जाए, तब आप इसमें वाटर ऐड कर दीजिए। वाटर यहाँ पे मैं 4 ग्लास डाल रही हूँ। हम लोग 3 लोग हैं, 3 लोगों का आश मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो 1 ग्लास मैंने एक्स्ट्रा डाला है, दैट इज 4 ग्लास ऑफ आश। और ये कोरिएंडर पत्ते हमने इसमें डाल दिए। अभी देख लेते हैं बिरयानी। बिरयानी ऑलरेडी 3 सीटियों के ऊपर हो चुका है। 3 सीटियाँ हो जाएंगी तो आपको लाइट सा साउंड आने लगेगा, लाइक नीचे खाना जैसे लग रहा हो ऐसे साउंड आने वाला होगा, तब आपको रोक देना है सीटियाँ, और बस और कुछ नहीं, निकाल देना है जल्दी से, नहीं तो खाना जल जाएगा नीचे से। ये देखें, परफेक्टली कुक्ड है। 3 से 4 सीटियाँ मैंने रखी हैं। 4th सीटी के हाफ में ही मैंने ऑफ कर दिया था स्टाउ। ये देखें खाना कितना फ्लफी फ्लफी सा है। ये प्लेन बिरयानी है, इसके साथ आप मटन कोरमा, कुछ भी चिकन कोरमा, ऐसा फ्राई हो या कुछ भी आइटम, ड्राई आइटम हो, करी आइटम हो, खा सकते हैं आराम से। दिस इज ए सिंपल बिरयानी जो छोटा बच्चा भी बना सकता है, बहुत सिंपल है ये, आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए। दिस इज प्लेन बिरयानी। ऑफन मैंने मेरे इन-लॉज के साइड बहुत सारे मैंने देखा है कि इतने मसाले, खोपरा मसाला, ये मसाला, वो मसाला, इतने सारे मसाले डालते हैं और हमें भी बोलते हैं कि डालो, बट डोंट, प्रेफर मत कीजिएगा। ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा कलर ऐड कर दिया है। कलर आप चाहो तो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, मुझे उतना कलर नहीं पसंद प्लेन बिरयानी में, तो मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया। तो आप भी प्रेफर कीजिए कि ज़्यादा मसाले आप ना डालें। बहुत ज़्यादा मसाले, खोपरा, ये वो डालते हैं तो खाने लायक नहीं होता, तो ऐसा प्लेन ही काफ़ी है। ये देखिए, अब आश पे आ जाते हैं। आश जो है अच्छे से खोल रहा है,
जब इस तरह से खोल रहा होगा तब आपको इसमें सूजी ऐड कर देनी है। सूजी यहाँ पे मैंने करीबन 5 टीस्पून ऐड की है, 5 टेबलस्पून है ये, सॉरी 5 टेबलस्पून सूजी मैंने ऐड की है। 4 ग्लास वाटर, 4 ग्लास वाटर यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ये है कि 3 persons 4 ग्लास वाटर एंड 5 टेबलस्पून ऑफ सूजी। ये कैलकुलेशन मैं स्क्रीन पे भी डाल देती हूँ एडिट करके, तब आपकी सूजी का रेशियो जो है परफेक्ट होगा। और बीच में इस तरह से राइस थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। राइस जब आप ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा एक टेक्सचर आता है, उसका फ्लेवर अलग बनता है और सूजी को गाढ़ा करने में भी ये हेल्प करता है। इट विल टेस्ट मोर ऑसम इफ़ यू ऐड लिटिल बिट ऑफ राइस, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1/2 टीस्पून थोड़ा सा राइस ऐड कर दीजिए। अब देखिए इसका थिकनेस जो है आपको चेक करते रहना है every 2 minutes में। डोंट लीव योर आश लाइक दैट, यू हैव टू बी देयर अंटिल द आश इज फुल्ली कुक्ड। ये देखिए मैंने 3 से 4 बार आश टेस्ट किया और 4th टाइम इस तरह से थिक फॉर्म हो गई है आश। अभी मैं स्टव यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ। आपको इस तरह से चलाते रहना है आश को, ऐसे ही छोड़ देंगे तो उपमा बन जाएगी आपकी आश। तो ये देखिए ये हमारे इफ्तार के लिए सब अभी रेडी है। इफ्तार यहाँ पे है दुबई में 6:46 को, तो हम लोग थोड़ा फ्रूट्स बिरयानी आश तो डेली एवरीडे होती है, तो उसके साथ जूस पानी खजूर ऑफ कोर्स द स्टार्टिंग वी नीड टू डू विद खजूर। तो जूसेस आश जो है ये कम्प्लीटली एक अपेटाइट है। आई डोंट नो व्हाट आई एम ब्लैबरिंग, आई एम रिकॉर्डिंग दिस एट 5 AM इन द मॉर्निंग। अभी ये प्लेट मैं यहाँ पे सजा रही हूँ, वी हैव टू गिव इट टू द नेबर। हमें अपने साथ अपने मुसलमानों का भी ख्याल रखना है, जो भी मुस्लिम्स हैं नॉन मुस्लिम हैं कोई भी है उन्हें आप जो करीब के आपके घर के करीब हैं उन्हें आप दीजिए इस तरह प्लेट, बहुत अच्छा सवाब मिलेगा इफ्तार किसी को खिलाने से। तो दिस प्लेट इज़ फॉर अवर नेबर। तो अब ये है आश, इसकी थिकनेस, इसे आप बूंदी के साथ करेंगे मैचअप करेंगे तो बहुत अमेजिंग लगेगा। इसी रीज़न से मैंने ज़्यादा नमक आश में नहीं डाला, बिकॉज बूंदी में ऑलरेडी नमक होता है, तो डोंट ऐड टू मच ऑफ सॉल्ट इन योर आश। तो बूंदी के साथ इट विल बी लाइक ए जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस इज़ माई हस्बैंड्स बाउल। तो इसके साथ एवरीडे हम लोग कुछ एक स्पेशल आइटम होता है, लाइक एक दिन सेमिया हो गया, एक दिन इडली सांभर हो गया, इस तरह फ्रूट्स के साथ पकोड़ा हम लोग आश में डुबा कर खाते हैं। तो ये विजुअल है एक दावत का जो हमने दावत दी थी टू माई हस्बैंड्स मैनेजर। सो आई कुक्ड अ लॉट ऑफ आइटम्स बट टाइम ही नहीं मिला उस दिन कुछ रिकॉर्ड करने का। So thank you so much for watching my iftar routine. I'll see you soon. Take care. Bye bye.